तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर व्हाट हैपेंस से। ओ गाइस, आ गए हम वापस एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है कोल्ड ब्लड। पिछली वीडियो में बात कर रहा था हमने गोल्ड ब्लड के बारे में, इस बार करेंगे कोल्ड ब्लड के बारे में। तो क्या हो अगर आप भी एक कोल्ड ब्लडेड ह्यूमन हो, लाइक जो फिशेज होती है ना, ये फिशेज और टोर्टोइस लाइक देम। तो चलिए देखते हैं वीडियो में बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग में जान लेते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कितने टाइप के ब्लड्स होते हैं, राइट। तो पहले तो दो टाइप के ब्लड्स होते हैं, जान लो, वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड, गर्म और ठंडी का डिफरेंस है क्या? तो नहीं। तो चलिए पहले जान लेते हैं वार्म ब्लड के बारे में, राइट। तो दुनिया में जितने भी जीव है ना, जिनके अंदर ये वार्म ब्लड पाया जाता है, तो उनके अंदर कुछ एबिलिटीज होती हैं कि वो अपने आप को ना किसी भी कंडीशन के हिसाब से डाल सकते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर का टेम्परेचर कितना। तो एग्जांपल, जैसे हम ह्यूमंस हो गए और कुछ मैमल्स हो जाते हैं, एग्जांपल के लिए ना, जैसे हमें गर्मी में पसीना आता है, उससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना और हीट होती है वो मेंटेन हो जाती है। और ऐसा ही सर्दियों में होता है, जैसे सर्दियों में हमें सर्दी लगती है ना, तो हम लोग अपने हाथों को रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट हमारे बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा हाई कर देती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सर्दी से राहत मिलती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इन ऑर्गेनिजम्स में जनरली जो मछलियाँ होती हैं और कुछ कछुए होते हैं और कुछ ऐसे जीव जो कि पानी में होते हैं, वो आते हैं, ठीक है। उनका जो ब्लड होता है ना, वो कोल्ड ब्लडेड होता है और ये बिल्कुल अपोजिट होता है वार्म ब्लडेड के। जैसे कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ये जो होते हैं, ये डिपेंड होते हैं एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर बाहर होगा, उतना इनकी बॉडी के अंदर होगा, तो इनको हम इसलिए एक्टोथर्म भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। तो वीडियो का टाइटल है, क्या हो अगर हम सब हो जाएं कोल्ड ब्लडेड ह्यूमंस। अभी तो हम वो ब्लडेड है ना, अगर कोल्ड ब्लडेड हो गए तो क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही होने वाला है कि हम सब के लिए ना, धूप सेकना ऐसा हो जाएगा जैसे कि हीरा पाना। क्योंकि ना, अगर आप धूप नहीं सेकोगे ना, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी। जब तक आपको बॉडी का टेम्परेचर बाहर से कुछ हीट नहीं मिलेगी, कुछ एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक आप काम नहीं कर सकते। मतलब आप उस दिन स्कूल नहीं जा सकते, आप उस दिन कॉलेज नहीं जा सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते। अगर चले भी जाते हैं तो आप वहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो ये तो था पहला पॉइंट। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट। तो इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं टूरिज्म के ऊपर, कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि घूमना फिरना, जो घूमते हैं ना हम एक देश से दूसरे देश में, तो इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो हम ऐसा होगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कई जगहों पर, जहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है या फिर जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। सर्दी होगी तो हमारा खून जम जाएगा, राइट। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट होने वाला है हमारे भूख के बारे में, हम कितना खाएंगे, तो इस पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं ना, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग सिर्फ आधे मील, मतलब सिर्फ एक समय या फिर उससे भी ज़्यादा खाएंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके जो ग्रोसरी बिल्स होंगे ना, जो खर्चा होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये एक एडवांटेज भी है, राइट। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट होने वाला है क्लाइमेट चेंज के बारे में। जो क्लाइमेट में चेंज होता रहता है ना, ये गर्मियाँ ये सर्दियाँ चलती रहती हैं, तो इसमें क्या होगा, हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। गर्मी में सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन सर्दियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर सर्वाइव करना भी हो ना, तो सारा दिन हमको गर्म पर बैठ कर सिर्फ हीटर के आगे गर्मी लेनी होगी, जिससे हमारा जो रूम का टेम्परेचर है ना, वो थोड़ा बढ़ जाए और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी इससे बढ़ जाएगा। पर इससे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको जो हीटर है ना, वो सारा दिन चलने वाला है, और इससे आपको जो बिल्स होंगे ना, वो इतने बढ़ जाएंगे कि शायद वो 2 गुना या 3 गुना या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। और अगर आप इस चीज़ का यूज़ नहीं करते हो ना, हीटर का, तो शायद आपके जो बॉडी के फ्लूड्स है ना, जो ब्लड है, ये सब जम जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की, राइट। तो चलते हैं पहली एडवांटेज की तरफ। तो इसमें क्या होगा, ये एडवांटेज आपकी हेल्थ के रिलेटेड होने वाली है, कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है ना, क्योंकि सर्दी में टेम्परेचर बहुत कम होता जाएंगे, तो जो वायरस होते हैं ना, वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको वो टेम्परेचर ही नहीं मिल पाएगा जिससे वो आपकी बॉडी में ग्रोथ करते हैं। लाइक 30 to 40 degrees Celsius वो टेम्परेचर होता है मेरी, ठीक है। तो इससे आपका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसका भी इन्फेक्शन का रिस्क होने वाला है तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और आपको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एडवांटेज नंबर 2 की। ये एडवांटेज जो होगी ना, वो स्पेस के रिलेटेड होगी।
अगर आपका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लडेड हो गया ना, तो आप लोग सर्वाइव ज़्यादा कर पाओगे एज कम्पेयर टू वार्म ब्लड, राइट। पर आपको वहाँ पर जाकर एक प्लेनेट खोजना होगा जहाँ पर आप सर्वाइव कर सकें, जहाँ का टेम्परेचर आपकी बॉडी को सूट कर सके, और क्या पता ऐसा हो कि वहाँ पर पहले ही कोई जीव रह रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। चलिए, तो बात हो गई किसी और टॉपिक की, इसको भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि मैंने इस वीडियो में कितनी बार ब्लड का इस्तेमाल किया। अगर आप बता देते हैं कमेंट सेक्शन में सही, तो आपको मौका मिलेगा एक शाउट आउट का नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। तो इसी के साथ सायोनारा एंड साइनिंग ऑफ।